नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रन फॉर नशा मुक्त बिहार मैराथन का हुआ आयोजन। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने युवाओं संग लगाई दौड़। डीजे ओली के गाने पर झूमे पटनाइट्स। सरकारी स्कूलों में साइंस और मैथ ओलंपियाड का होगा आयोजन। इसका उद्देश्य छात्रों का मेधा आकलन करना। ऑनलाइन परीक्षा के साथ ऑनलाइन परिणाम होंगे आयोजित। आज से शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू। गंभीर स्वास्थ्य समस्या वालों को ही मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर। अन्य शिक्षकों का ट्रांसफर फिलहाल स्थगित। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर में खुलेंगे नए टीकाकरण केंद्र। शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए उठाया गया ये कदम। संभावित बीमारियों में आएगी कमी। बुमराह की कप्तानी में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत। कई फैंस बुमराह को अस्थायी कप्तान बनाने की कर रहे मांग। दिनेश कार्तिक ने बताया किसे करनी चाहिए कप्तानी। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां पहले से तय की जाएंगी और ठंड की छुट्टियां नहीं होंगी, लेकिन अत्यधिक ठंड पड़ने पर स्कूल बंद होंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा ताकि उनका समय सही तरीके से उपयोग हो सके। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में विज्ञान और गणित के ओलंपियाड की शुरुआत की जाएगी, जो 4वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए होगा। उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को नन यूनिफॉर्म डे होगा ताकि बच्चों को अपनी यूनिफॉर्म साफ करने का समय मिल सके। शनिवार रात बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए रन फॉर नशा मुक्त बिहार मैराथन का आयोजन हुआ। इस मैराथन में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने युवाओं के साथ दौड़ में भाग लिया। इस दौरान डीजे ओली का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें पटनाइट्स ने खूब आनंद लिया। साइना ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नशा मुक्त बिहार बनाने की कोशिश महत्वपूर्ण है और लोगों को फिट रहने की सलाह दी। कार्यक्रम को बिहार मद्य निषेध विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आयोजित किया। खेल विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र और मद्य निषेध विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने इस अभियान को समर्थन दिया और लोगों में जागरूकता फैलाने की बात की। नवंबर का महीना खत्म होने के बाद बिहार में ठंड का प्रभाव अभी तक कम दिख रहा है। राज्य के अधिकांश शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक ऊपर बना हुआ है, जो पिछले साल के दिसंबर महीने जैसा है। मौसमविदों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर का अभाव स्थिति का कारण है। हालांकि अगले एक हफ्ते में ठंड बढ़ने का अनुमान है। बिहार में आज अधिकतर इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा दिख रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकल गई, जिससे ठंड का असर कम महसूस हुआ। पटना और अन्य 26 शहरों में न्यूनतम तापमान आंशिक गिरावट आई है, लेकिन ये अभी भी सामान्य से ऊपर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब साइंस और मैथ ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 4 से ऊपरी कक्षाओं के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की मेधा का आकलन करना और ये समझना कि छात्रों में इन विषयों में कितनी रुचि है। ओलंपियाड की परीक्षा ऑनलाइन होगी और परिणाम भी ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए स्कूल का समय अलग होगा और कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं शाम को आयोजित की जाएंगी। खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 इस वर्ष बिहार को मिला है। ये पुरस्कार फिक्की द्वारा इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स श्रेणी में दिया गया है। शनिवार को दिल्ली स्थित फिक्की के कमीशन हॉल में आयोजित समारोह में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। बिहार को ये सम्मान खेल क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी, उत्कृष्ट प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल प्रतियोगिताओं के आयोजन के कारण मिला है। समारोह में फिक्की के अध्यक्ष PKS सागर, विजय लोकपल्ली, अमृत माथुर और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। ये पुरस्कार फिक्की टर्फ 2024 के 14वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। बिहार के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस ट्रांसफर नीति में केवल गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कैंसर, किडनी, हृदय रोग, लीवर रोग और दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों को उनकी इच्छा के मुताबिक ट्रांसफर मिलेगा। अन्य शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर को सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों के पूरा होने तक स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि भविष्य में सामान्य ट्रांसफर नीति को उदार बनाया जाएगा। शिक्षक पोर्टल पर आवेदन करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे और उन्हें 10 विकल्पों में से कम 3 चुनने होंगे। राज्य के 1000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नए टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे।
ताकि बिहार में शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में इन केंद्रों को चालू करना है ताकि शिशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। इससे संभावित बीमारियों में कमी आएगी। पहले से ही 38 जिलों के प्रखंडों में नए टीकाकरण कॉर्नर स्थापित किए गए थे। राज्य में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार टीकाकरण किया जाता है और लक्ष्य 95% प्राप्त करने का है। हालांकि वर्तमान में यह 87% है। स्वास्थ्य विभाग जल्द 12,000 नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करेगा। टीकाकरण के जरिए बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाया जाएगा। साइबर ठगों ने बिहार के लोदीपुर निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगा है। एक अनजान नंबर से फोन आया जिसमें बताया गया कि वे ट्राई से बोल रहे हैं और उनके नंबर मुंबई क्राइम ब्रांच के आदेश पर बंद कर दिए जाएंगे। फिर सातर ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बुजुर्ग से पूछताछ के नाम पर 43 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इसी तरह अन्य मामलों में ठगों ने शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर 13.50 लाख रुपए और दानापुर से 5 लाख रुपए ठग लिए। गांधी मैदान की महिला से भी 3 लाख रुपए की निकासी की गई। साइबर पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला के पहले 2 दिनों में 47,000 किसान पहुंचे और 302 कृषि यंत्रों की बिक्री हुई है। कृषि विभाग ने कई यंत्रों पर 1,85,00,000 रुपए का अनुदान दिया है। मेला में पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों के 3,960 किसानों को बुलाया गया। किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग, रखरखाव और फसल उत्पादन में मशीनरी के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। कृषि यंत्र मेला में 3 पहिया ट्रैक्टर, सोलर स्प्रेयर और सुगर कैन हार्वेस्टर प्रमुख आकर्षण थे। बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत 110 प्रकार के यंत्रों का पर अनुदान दिया जा रहा है। विशेष रूप से फसल अवशेष प्रबंधन पर 80% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। पटना से मोकामा और मुंगेर तक बनने वाली 4 लेन सड़क का मार्ग निर्धारित कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। पथ निर्माण विभाग का लक्ष्य 3 महीने में टेंडर जारी करना है और अगले साल से काम शुरू होगा। इस परियोजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोकामा से मुंगेर तक सड़क चौड़ीकरण के अलावा मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण भी होगा। इसके साथ बिहार के पूर्व और पश्चिमी हिस्सों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होंगे। इस परियोजना से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और पटना से संथाल परगना और मालदा जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में सुमन कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार और राजस्थान के बीच खेले गए मैच में सुमन ने एक पारी में हैट्रिक सहित 10 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। सुमन ने इस सत्र में अब तक 22 विकेट लिए हैं। ये समस्तीपुर के PNT कॉलोनी के रहने वाले और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अपने आदर्श के रूप में अनुकूल रॉय और रविंद्र जडेजा को मानते हैं। सुमन ने 33.5 ओवर में 53 रन देकर 10 विकेट चटकाए जिसमें 20 ओवर मेडन रहे। राजस्थान की टीम 182 रन पर आउट हुई और सुमन की शानदार गेंदबाजी ने राजस्थान को पूरी तरह से दबोच लिया। जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि इस क्षेत्र में अगर मैं नहीं तो कौन बोलेगा। उन्होंने कहा कि वे जनता के नेता हैं और हमेशा उनके बीच रहते हैं। गोपाल मंडल बिना निमंत्रण के सम्मेलन में पहुंचे और मंच पर बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष ने उन्हें सम्मेलन में नहीं बुलाया जबकि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सम्मेलन में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का लक्ष्य रखा और कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने मुख्यमंत्री की सेवा भावना की सराहना की और शराबबंदी पर भी चर्चा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा का ऐलान किया है। इस यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को अपने पक्ष में करना है क्योंकि बिहार समेत उत्तर भारत में महिला वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की ये यात्रा सरकार की अंतिम यात्रा साबित हो सकती है, जैसा कि झारखंड चुनाव परिणाम से संकेत मिलता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिसमें उन्हें समर्थन मिला है, लेकिन पिछली बार चिराग पासवान के प्रभाव ने उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। अगर आपने रबी फसल की खेती की है और फसल बीमा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आज से शुरू हो रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड,
बैंक पासबुक, भूमि का विवरण और फसल संबंधित जानकारी पहले से तैयार रखें। सरकार ने किसानों की मदद के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट 7065514447 और डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिससे किसान बीमा पॉलिसी प्रीमियम और पोर्टल की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1447 पर भी मदद ली जा सकती है। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे किसानों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट में रोहित शर्मा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पर्थ में नहीं खेल सके। उनकी अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह ने टीम की कप्तानी की और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। बुमराह की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की, जिसके बाद कई फैंस ने सोशल मीडिया पर बुमराह को अस्थायी कप्तान बनाए जाने की मांग की। हालांकि दिनेश कार्तिक ने कहा है कि रोहित वापस आ गए हैं और उन्हें कप्तान नियुक्त किया गया है, इसलिए उन्हें ही कप्तानी करनी चाहिए। कार्तिक का मानना था कि बुमराह ने अच्छा काम किया, लेकिन अब रोहित को नेतृत्व करना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोतीलाल कुमार, प्रदीप पंडित, परवेज वारसी, विनोद कुमार, संजीव कुमार, लालू कुमार, धनंजय कुमार, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राज, सानवी गुप्ता, मुन्ना कुमार, आलोक प्रियदर्शी, भारती कुमारी, रोशन कुमार, उषा कुमारी, जुबैर, प्रिया सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, अब्दुल मनन, राम बाबूदास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा दोनों में से किसकी कप्तानी आपको ज्यादा बेहतर लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।